गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ नंबर सिस्टम। मेरे पास कई कमेंट्स आ रहे थे कि सर कुछ वीडियो आप कंपटीशन की भी डालिए, तो मैं सिलेबस के साथ साथ कंपटीशन की भी वीडियो आपके साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जैसे देखिए, आज मैंने जो पहला टॉपिक उठाया है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है क्या, ठीक है, तो इसके बारे में बहुत जानना आवश्यक है। सिलेबस के साथ साथ हमें जानना है कि संख्या पद्धति होती क्या है। सबसे पहले मैं इन छोटी छोटी बातों में बात करूंगा। जैसे आपको मालूम होंगी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, ठीक है, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, ठीक, तो इनकी बात ना करके मैं कुछ फॉर्मूलों से स्टार्ट करता हूँ, जिससे आपकी प्राकृतिक संख्या आप जानते होंगे, नेचुरल नंबर में पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं कुछ विशेष फॉर्मूलों के साथ। कुछ फॉर्मूले हैं जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं जिनकी विशेष उपयोगिता है संख्या पद्धति के अंदर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये सभी को आता है। सेकंड फॉर्म है हमारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। थर्ड फॉर्म है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। चौथी फॉर्म है हमारी, चौथी फॉर्म को हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। पांचवी फॉर्म है हमारी a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। छठवीं फॉर्म है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। सातवीं फॉर्म है ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। आठवीं फॉर्म है हमारी ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ठीक है, ये हमारी फॉर्म है। इनको इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमने आपके सामने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। नंबर सिस्टम में इनका बहुत जबरदस्त तरीके से प्रयोग होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी लर्न नहीं है तो आप इनको लर्न अवश्य कर लें, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन इनके कैसे होते हैं, एक चीज और, डिवीजन ऑफ नंबर्स में कुछ संख्याओं के भाग की भी प्रोसेस यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जिनकी मदद से हम कोई बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे डिवीजन ऑफ नंबर, संख्याओं में भाग संक्रिया, या आपको पता होगा जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं, जैसे मैंने दो का भाग पांच में लगाया तो यह गया दो दूनी चार और ये बचा एक, इसे हम कहते हैं शेषफल, ठीक है, इसको कहते हैं भागफल, ठीक है, इसको कहते हैं भाजक और इसको कहते हैं भाज्य, ठीक। ये आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न रखना है कि किसको क्या कहते हैं। अब यहां पर फॉर्मूला इसका यह होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है, ये आपको फॉर्म तैयार करनी है। अब इसको हम अपने तरीके से इस तरीके से आपके सामने लिख दे रहे हैं।
बी बराबर ए क्यू अपॉन आर। ये हो गया कोसेंट, भागफल, रिमाइंडर। ठीक, ये हो, इसे बोलते हैं हम डिवीजर और ये डिविडेंड। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर ए बराबर डिविडेंड, ठीक है। ये आपका हो गया भाज, भाजक को बोलते हैं डिवीजर। क्यू आपका हो गया कोसेंट और स्मॉल आर हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। देखिए कोई ज्यादा कठिन नहीं है, मेरे पास कई एक कमेंट आए थे कि सर रेलवे के कुछ फॉर्म निकले हुए हैं, इसके लिए सर आप वीडियो बनाएं, तो कोशिश करूंगा कि आपकी छोटी से छोटी समस्या को मैं वीडियो के माध्यम से बता सकूं, ठीक है। अब इन फॉर्मूलों को आपको करना है, इन फॉर्मूलों को मैं साइड में कर दे रहा हूं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। कि अब क्वेश्चन को लेके चलता हूं, आपकी कोई सी भी पुस्तक हो, कोई सी भी बुक हो, आपको वहां से यहां से जहां से भी आपको मिल सके इन क्वेश्चनों को आपको करना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है, मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं। देखिए स्टार्टिंग में मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। पहला क्वेश्चन है करना कैसे, 6784 इंटू 786 प्लस 6784 214 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए सिंपल मेथड से अगर हम इन क्वेश्चनों को करते हैं, सिंपल मेथड से अगर हम इन क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एग्जामिनेशन में एक मिनट से भी कम का समय लगना चाहिए अपने को। लेकिन आज हम नए हैं, अपन लोग नए हैं, तो हम थोड़ा सावधानी पूर्वक करते हैं। देखिए 786 6784 दोनों में कॉमन है, यहां से मैं उठाता हूं और 214 ये आ गया। अब 6784 इसको ऐड करेंगे हम, 6410 6410 8 और 1 9 और 1 10 7 2 9 और 1 10 ये हो गया। और बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा 6784000, ठीक है। ये एक मेथड है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में हम इसी का घटाना करते हैं, इसी को घटाते हैं, क्या करते हैं घटा के, देखिए घटाने पर 6784 इंटू 786 माइनस 6784 इंटू 214। मैंने इसको ही यहाँ प्लस था, ये माइनस था। अब यहाँ पर वही प्रोसेस, 6784 यहाँ पर कॉमन लिया, 786 माइनस 214 ये हो गया, ठीक है। आपको दिखाई समझ में आ रहा है मेरी बात को, 6784 और इसमें से हम लेस करेंगे, यहां पर लिख के कर लेते हैं, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 1 गया 7 और 7 में से 2 गया 5 ये आ गया मल्टीप्लाई 572, ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तीसरा। अगर आपके सामने कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाए, 15 09 गुणा 15 09, ठीक है, इस तरह की फॉर्म आपके सामने लिखी है। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बार गुणा करना पड़ेगा, 4 अंक है, ठीक है। तो कुछ इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब 15 09 का मल्टीप्लाई हम 15 09 में कैसे करें, तो इसका एक विशेष है। जैसे 15 09 को हम होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब 15 09 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया, ठीक है, 15 09 प्लस 9। अब यहां पर ये फॉर्म लग रही है, देखिए a प्लस बी, ये वाली फॉर्म लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है यूज फर्स्ट, यूज फर्स्ट फॉर्म, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो 15 का वर्ग करते हैं 225 होता है, ठीक है, दो जीरो के चार जीरो आ जाएंगे, 9 का होता है 81, ठीक है, और 15 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, अब इसमें ये हो जाएगा आपका 15 निम्मा 135 होते हैं, और ये 135 दूनी होते हैं 270, ये हो गया, इतनी संख्या हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, तो यहाँ पर बारी बारी से अच्छे से लिखते हैं, इकाई के नीचे इकाई हमेशा याद रखना, अगर बड़ी अंक संख्या है तो इकाई के नीचे इकाई लिखें और ढाई के नीचे ढाई, ये हमेशा याद रखें, कभी भी हमें कोई भी परेशानी आए। ये हमारा आ गया 22770 81, ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं, देखिए 883 × 883 −117 × 117, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये और ये का होल स्क्वायर माइनस 117 का होल स्क्वायर, ठीक है, अब यहां पर फॉर्म कौन सी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी, यानी यूज फॉर्म थ्री, यूजेस फॉर्म थर्ड, ठीक है, मैं यहां पर 883 माइनस 117 और 883 प्लस 117, यानी मैंने यहां क्या किया है, ए माइनस भी एक बार घटाया और एक बार जोड़ा है। अब इसमें से जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, यहां से घटा लें आप आराम से, 13 में से 7 गए 6 बचते हैं, ठीक है, यहां बचे आपके 7, 7 में से 1 गया 6, यहां बचे आपके 8, 8 में से 1 गया 7, 766 आपका शेष बचा है हमारे पास, ठीक है, और इसको हम ऐड करते हैं, 7 और 3 10 होते हैं, 8 और 1 9 और 1 10 होता है, 9 और 1 10 होता है, ये हो गया 766000। आपको मेरी बात समझ में आई, ये चार प्रश्न हैं, आगे की प्रोसेस में चलता हूँ आगे करके आपको, ठीक है, आपको समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 220 × 220, ठीक है, 220 × 220 प्लस 180 × 180, ठीक है, शायद इसकी फॉर्म हमारे पास नहीं है, तो इसकी फॉर्म को हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 220 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसको हमें करना कैसे है वो चीज देखनी है। वैसे तो देखिए यहां पर इसको ए माने और इसको बी माने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम मान लेते हैं लेट ए बराबर 220 एंड बी बराबर 180, ठीक है, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मानते हैं, तो एक फॉर्मूला है इसी की तरीके से, ठीक, तो यहां पर मैं फॉर्मूले को लिख दे रहा हूं, जिससे ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हाफ ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, अब हम यही फॉर्म को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 1/2 ब्रैकेट 220 प्लस 180, मैंने यहां फॉर्मूला लिख नहीं पाया था और प्रश्न मेरे सामने आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये हो गया 1/2, ये हो गया आपका 400 0 8 9 10 4
400 और इसमें से निकल जाएंगे आपके, ये बचेंगे आपके, ये होल स्क्वायर होना है इसका, स्क्वायर तो मैंने लगाई। अब प्लस यहां पर भी ये हो गया, ठीक है, 1/2 ये हो गया 16 और 2 जीरो का हो जाएगा 4 जीरो, यहां पर भी 2 जीरो का, 1 जीरो का 2 जीरो, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 00661, ये आ गया। इसका हम डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड होगा 2 8 16 0, 2 8 16 और ये आ गया 80 800, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया, यहाँ फॉर्म आप ये वाली नोट कर लेना क्योंकि अच्छी फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए कभी कभी आपने देखा होगा इस तरह की फॉर्म आपके सामने आ जाती है, 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर अपॉन 867 और गुणा 289, ठीक है। इस तरह की फॉर्म कभी कभी आ जाए तो आप क्या करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अगर हम इसको ए मान लें, लेट इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर मैंने लिखा है यूसेस फॉर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, तो इस पूरी फॉर्म को हम 4ab लिखते हैं, तो हम आग नीच के 4a को यहां मैं लेट लिख दे रहा हूं, 4 × 867 × 289 अपॉन 867 × 289, इस पूरी फॉर्म से उड़ा देते हैं और ये आ गया 4, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात को, अब मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो भी क्वेश्चन है जैसे क्रिटिकल लगते हैं 6-7 में इन फॉर्मूलों की हेल्प के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ जिससे आपकी आने वाली कोई भी समस्या ना रहे कैलकुलेशन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पर 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर नेक्स्ट प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर अपॉन आता है 956 गुणा 956 प्लस 479 × 479 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर लेट करते हैं हम, ए बराबर मानते हैं 956 एंड बी बराबर मानते हैं 479, तो एक फॉर्म बनती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नेक्स्ट बनती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ये फॉर्म हमारे पास बन रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ये वाली फॉर्म आएगी। मैं इस फॉर्म को दोबारा से लिख ले रहा हूं या यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, बार बार मेरे सामने आ जाती है, मैं इसको ही यहां लिख दे रहा हूं, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हाफ ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाली फॉर्म है 9। देखिए अब यहां पर जो है वो इस तरीके से आ जाएगा, ये आ जाएगा 2956 का होल स्क्वायर और प्लस 479 का होल स्क्वायर अपॉन, ये रखा है हमारे पास 956 का होल स्क्वायर प्लस 479 का होल स्क्वायर,
देखिए अगर हम सिंपल कैलकुलेशन से करते हैं तो शायद 5 से 10 मिनट लग जाएं और क्वेश्चन शायद गलत हो जाए। तो मैं इसीलिए आपको ये करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जिससे आपकी क्वेश्चन गलत ना हो। और इस तरीके से ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे सामने जो वैल्यू बचेगी वो 2 बचेगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। शायद आप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होंगे। 8 क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, ये है 783 × 783 प्लस 217 217। ठीक है, और ठीक है 783 × 783 माइनस 783 × 217 प्लस 217 × 217। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म को बनाने के लिए मैं यहाँ पर होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब आप अगर इसको कंप्लीट करेंगे, 783 का होल क्यूब प्लस 217 का होल क्यूब अपॉन 783 × 217 प्लस 217 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखिए, मैं लेट कर रहा हूं, माना स्मॉल ए बराबर 783 और स्मॉल बी बराबर 217। ठीक है, अब 217 है, अब यहां पर ये फॉर्म हो गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। यहां पर भी देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए यहां पर यह फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यानी ये वाली जो फॉर्म है इसके नीचे बिल्कुल लिखी हुई है। तो मैं फॉर्मूले को लिख दे रहा हूँ, 783 प्लस 217 और दूसरे ब्रैकेट में 783 का होल स्क्वायर प्लस 217 का होल स्क्वायर माइनस 783 × 217 अपॉन 783 का होल स्क्वायर माइनस 783 × 217 प्लस 217 का होल स्क्वायर। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने ये वाला फंक्शन इधर है, ये इधर है, आपने ये इधर लिख लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 + 5 = 7 होते हैं, या 5 + 2 लिखो या 2 + 5 लिखो, ठीक है, आंसर सेम ही नहीं आना है। तो इसी तरीके से आप किसी भी आइडिया से लिख सकते हो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। और ये बचेगा, मैं इसको ऐड कर ले रहा हूँ, 7 और 3 = 10 होते हैं, 8 और 1 = 9 और 1 = 10 होते हैं, 7 और 2 = 9 और 1 = 10 होते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम में होना चाहिए, टारगेट हमारा ये होना चाहिए। अभी मैं समझाने के स्तर से आपके सामने कर रहा हूँ, लेकिन आपकी स्पीड बिल्कुल अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक सवाल आप कॉम्पिटिशन में फाइट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। ये सबसे अलग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपने शायद अपने एग्जामिनेशन में, अपने टाइम में, स्टडी में शायद नहीं पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 आपका हो गया, 10 9 कर रहा हूँ। हाँ देखिए, 476 × 198 × 359 × 242। ठीक है, ये क्वेश्चन के सामने, इसमें क्या पूछ रहे हैं, मैं इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताओ, फाइंड करो इकाई का नंबर, इकाई क्या है। ठीक है, इसकी इकाई क्या है, अब बताइए। आपके सामने ये 4 डिजिट हैं, अगर आप इनकी, अगर आप इनको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाए। लेकिन हमारे पास सबके इकाई के अंक को उठाओ, सबसे पहले क्या करना है आपको, 6 × 8 × 9 × 2 सबसे पहले। ठीक है, इनके गुणा अगर हम करते हैं तो देखिए, अब क्या करें, सबसे पहले 6 × 12 होते हैं, 12 × 8 = 96 होते हैं, 96 × 9 तो इसका मल्टीपल क्या आएगा, 9 × 6 = 54 होते हैं, कैरी 5 और 9 × 81 = 5 = 86, ये 864 आ गया। इसका इकाई अंक क्या है, 4, तो इसका इकाई अंक होगा
ठीक है, आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं। देखिए इसमें भी इकाई अंक मुझसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10, 7 का पावर 65। देखिए 7 का पावर 65 इंटू 6 का पावर 41 गुणा 357 में इकाई का अंक बताओ। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरे प्रश्न समझ में आ रहे हैं प्लीज कमेंट्स जरूर करना इन क्वेश्चनों के बारे में, तो मैं आगे की वीडियो जरूर बनाऊं। ठीक है, मुझे कमेंट जरूर आप करें, जिससे मैं मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट्स करना, आपको अच्छे नहीं लग रहे तो आप सच्चाई के साथ बोलना। आपको सही लग रहा है मेरी वीडियो बनाना, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल सही सही बात करना, सही कमेंट करना और मैं आपके कमेंट का बिल्कुल जवाब दूंगा, वे निश्चिंत। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इकाई का अंक पूछा। अब देखिए 7 को अगर हम 65 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इकाई का अंक पूछा है, कैसे बताएं? तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका है, 7 को पावर 65 का इकाई का, देखिए 16 65 में से अगर हम 1 निकालें तो 64 बचता है। ठीक, 7 4 गुणा 16, 16 चौक 64 प्लस 1। ठीक है, यहां पर देखिए 36 नहीं बनता, 36 क्या बनना चाहिए यहां पर, 6 4 गुणा 10 प्लस 1, सबकी तरफ एक एक लेकर चल रहा हूं और यहां पर बन जाएगा 57 में से 3 निकालो, 54 14 चौक 56, सोलह चौक 64, 64 और 1 65, 10 चौक 40 और 1 41, 14 चौक 56 और 1 57। अब इसको अगर हम अलग से लिखते हैं पुनः अगेन 7 पे पावर 65, तो ये देखिए 7 पे घात 64, ठीक है, गुणा 7 पे घात 1, इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसको देखो, 6 पे घात 41 को मैंने लिखा 6 पे घात 40 गुणा 6 पे घात 1 और 3 पे घात 56 को लिखा मैंने 57 यहाँ पर मिस्टेक लिख दिया, ये हो जाएगा आपका 3 पे घात 56 गुणा 3 पे घात 1। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास डिजिट आ रहा है, जो हमारे पास नंबर आ रहा है, वो नंबर है हमारा 7 गुणा 6 गुणा 1, अभीष्ट अंक। सात गुणा छ गुणा 3, ठीक है, ये हो जाएगा 6 3 18 और 18 7 होते हैं 126, सही होते हैं, देख लेना भाई। इकाई का अंक हो जाएगा आपका 6, ठीक है, ये हो गया। अब भाज्य और भाजक की और बात रह गई है, जो मैंने डिविडेंड बताए थे आपको, भाज्य और भाजक के बारे में और बता दूंगा आपको, भाज्य और भाजक क्या है। जैसे लिखा है 10 690 को किसी संख्या से भाग देने पर, 10 690 को किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है, भागफल 73, शेषफल 32 प्राप्त होता है।
भाजक कितना है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आया? 10690 को किसी संख्या से, तो मैं लिखता हूं माना किसी कोई संख्या स्मॉल एक्स है, ठीक है, 10690 को किसी संख्या से भाग देने पर क्या आ रहा है? अब मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेष पर। तो हमारी जो संख्या है 10690 को, तो यहां पर हम लिखेंगे हमारे पास भागफल 73 है, शेष फल 32 है, भाज्य हमारा है 10690 और भाजक हमारा है x, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। अब भाजक हमारा है x, भागफल है हमारा कितना है 73, शेषफल हमारा है 32 और ये है हमारा भाज्य 10690। अब 10690 में आप क्या करेंगे, 10690 माइनस 32 बराबर 73x। अब 10690 में 32 को निकाल देंगे तो हमारे पास जो संख्या बचती है वो बचती है 10658 बराबर 73x। अब इसको हम भाग लगाएंगे 73 का, ठीक है। अब 73 का भाग लगाते हैं, भाग लगाएंगे 10658 में, क्या होगा 73 एकम 73, 6 में से 3 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 33 आ गया, 5 को मैंने यहां से उठा लिया। अब फिर दोबारा से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28 होता है, 4 3 12, 4 7 28 और 29, 5 में से 2 गया 3 और 13 में से 9 गए 4। अब हम उठाएंगे 8 को यहां से, ठीक है। अब 7 5 35 होते हैं और 7 6 42 होते हैं, 6 बार मेरे हिसाब से जाना चाहिए, 6 3 18, 6 7 42 और 43, ये आ गया जो कोई संख्या है वो है 146, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पर आज सीखा संख्या पद्धति के बारे में। फिर भी यदि आपकी कोई समस्या रह जाती है तो अपने विकिपीडिया चैनल में अपनी समस्या को जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम की वॉल्यूम 2 में बताऊंगा कि क्या समस्या है। वॉल्यूम 2 में दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस वीडियो के कमेंट्स चाहिए। अगर आपको वीडियो में समझ में आ रहा हो तो आप जरूर बताएं और कमेंट्स जरूर दें, जिससे मैं आने वाली वीडियो और अच्छे से अच्छी बना सकूं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।